पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैन सिंह का जयंती समारोह राजद कार्यकर्ताओं के द्वारा लवारिस सभा केंद्र में आयोजित किया गया। इस अवसर पर उपस्थित कार्यकर्ताओं ने स्वर्गीय ज्ञानी जैन सिंह के चित्र पर माल्यार्पण किया और उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर चर्चा की। खड़ा होकर हुंकार भरेगा तब आपको आपकी पार्टी में आपका कुछ बढ़ेगा। मैं निश्चित तौर से यहाँ बैठे हुए सारे गार्जियन और समाज के भिन्न भिन्न लोगों से आग्रह और निवेदन करना चाहता हूँ। आज हम लोग का भी मैं भी एक बात नहीं करता हूँ, जब समाज की बात होता है मैं पार्टी की बात नहीं करता हूँ। तब प्रशांत किशोर जी ने क्या कहा कि अनेक जातियां बड़ा बड़ा सम्मेलन कर रहा है, जाति सम्मेलन कीजिए। ठीक है, तो जाति सम्मेलन निश्चित तौर से सारे राजनीतिक पार्टी देख रहा है। आबादी वो जान रहा है कि किसकी कितनी आबादी है, लेकिन वो देख रहा है कि इस रैली के माध्यम से आपके अंदर कितनी एकजुटता है और वो एकजुटता के आधार पर वो आपका आकलन करेगा। उसके दिमाग में ये बात है, लेकिन हम लोग निश्चित तौर से सम्मेलन होना चाहिए, एक ऐसा रैली होना चाहिए। पहले हम लोग रैली का आगाज करें ताकि ये समझ में आ जाए कि हम सब पर भारी हैं। निश्चित तौर से हम भारी हैं। हम लोग यानी जैन सिंह जी 24वीं पूर्व लवारिस सेवा के लिए, तो यानी जैन सिंह जी बचपन से एक गरीब परिवार में जन्म लिए। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में जीत जाने और वे पंजाब के मुख्यमंत्री बने, भारत के गृह मंत्री बने और सबसे लास्ट पद जो संविधान का सबसे उच्च पद होता है भारत के राष्ट्रपति बने। हम लोग समाज में यह मैसेज देना चाहते हैं कि गरीब से गरीब लड़का वे अपना परिश्रम के बल ऊंचे से ऊंचे पदों पर आसीन हो सकता है। इसलिए हम लोग यानी जैन सिंह का आज 24वां पुण्यतिथि के रूप में मना रहे हैं। मेरा नाम हुआ प्रकाश सिंह, मैं राष्ट्रीय नेता दल का महासचिव। तीन आदमी का चलाइए ना, बताया जाए जयंती बनाए गए पूर्व राष्ट्रपति यानी जैन सिंह का 24वीं बता दिए। पर्चे अपना बता दिए। सुरेश विश्वकर्मा यानी जय सिंह।